What is colonial? In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawabs and rajas. इस बुक में हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश ने भारत को कॉन्कर किया और कैसे अपना रूल स्थापित किया, सब्जुगेट लोकल नवाब, जो लोकल नवाब को उनका कैसे अपना सब्जुगेट किया एंड राजाज. यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, और कैसे उन्होंने भारत की इकोनॉमिक और सोसाइटी पर अपना कब्जा किया. कलेक्ट रेवेन्यू टू मीट ऑल अवर एक्सपेंसेस, वो कैसे भारत से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने सारे खर्चे को उठाने के लिए. बॉट द गुड्स दे वॉन्टेड एट लो प्राइस, प्रोड्यूस क्रॉप दे नीड फॉर एक्सपोर्ट, एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंज दैट केम अबाउट एज ए कॉन्सिक्वेंस. और वो क्या क्या गुड लो प्राइस में खरीदते थे, क्या वो यहाँ पे जो क्रॉप्स उनको जरूरत होती थी वही वो उगाते थे और एक्सपोर्ट करते थे, और उसकी वजह से क्या क्या परिवर्तन आया, ये हम इस सारी बुक में पढ़ेंगे. यू विल ऑल्सो नो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट. ठीक है, और इससे हमें ये भी पता चलेगा लोगों के वैल्यूज़ और टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस में क्या डिफरेंस आया. व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लेंस टू दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चर चेंजेस, वी रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन. ठीक है, कोई भी कंट्री जब दूसरे कंट्री को सब्जुगेट करती है और वहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर चेंजेस लाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन. यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंजेस इन द सेम वे, दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल. ठीक है, क्योंकि सब क्लासेस को एक जैसा चेंजेस देखने में नहीं मिलता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हमने अपने बुक का नाम क्या दिया है, आवर पास इन द रूरल.